दोस्तों रेनॉल्ट्स की ये सस्ती ऑटोमेटिक कार इन दमदार फीचर्स के साथ जुलाई में आ सकती है जल्द। जैसे कि दोस्तों रेनो टाइगर का ऑटोमेटिक वर्जन को जुलाई तक भारत में लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि लॉकडाउन के बीच इसका इंतजार थोड़ा बढ़ भी सकता है। मीडिया रिपोर्ट के माने तो इस कार में मैनुअली वर्जन वाला 1.0 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल किया गया है। ये इंजन 5 स्पीड मैनुअली तथा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के विकल्प के साथ भारत में आएगा। ये मॉडल कार के बूट पर इजी आर ब्रेस के साथ आएगा। इसके अलावा कोई कॉस्मेटिक या फीचर्स लिस्ट में कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। आप सभी को पता है कि रेनो ने इस साल की शुरुआत में ही भारतीय बाजार में अपनी पॉपुलर एमपीवी टाइगर का BS6 वर्जन पेश किया था। इसकी शुरुआती कीमत दोस्तों मात्र 4.50 लाख रुपए से होती है। BS6 कंप्लीट वर्जन में कंपनी ने पहले की तरह ही 1.0 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल किया था, जो कि आपको 72 हॉर्स पावर की ताकत और 96 Nm के पिकअप टॉर्क जनरेट कर पाने में क्षमता रखती है। बताना चाहूँगा दोस्तों कि ऑटोमेटिक वेरिएंट में कार में किसी भी प्रकार का कॉस्मेटिक और मैनुअली चेंज नहीं किए गए हैं, लेकिन अपडेट इंजन आने से इसकी कीमत में थोड़ा सा इजाफा देखने को मिल सकता है। BS6 ऑटोमेटिक टाइगर की कीमत में आपको लगभग 4000 रुपये से लेकर 9000 रुपये तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। बताना चाहूँगा दोस्तों कि टाइगर अपनी नए मॉडल को ऑटोमेटिक वेरिएंट के साथ हम सभी के लिए 3 वेरिएंट में मार्केट में उतारेगी। अगर बात करें टाइगर के ऑटोमेटिक वेरिएंट के टॉप वर्जन के बारे में, तो इसमें आपको एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो पहले के जैसा ही 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल और AC वेंट्स और क्रूज सेंट्रल कंसोल, कीलेस एंट्री, पुश बटन और स्टार्ट स्टॉप बटन, पावर विंडो, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स व LED DRLs जैसी सुविधाओं को मौजूद भी किया गया है। और साथ ही साथ वहीं सेफ्टी के लिए इसके सभी वेरिएंट में आपको 3 वाइपर सीट बेल्ट और ABS रिवर्स पार्किंग सेंसर और कम से कम 2 एयरबैग्स की सुविधा मिलती है। इसके अलावा अगर ऑटोमेटिक वेरिएंट के टॉप वेरिएंट की बात करें, तो उसमें आपको फ्रंट में एयरबैग्स मिलेंगे और साथ ही साथ साइड में भी एयरबैग्स की सुविधा मिलेगी और रियर पार्किंग कैमरा भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये तो काफ़ी अच्छी बात है कि रेनॉल्ट टाइगर ऑटोमेटिक को जल्दी जुलाई के महीने में हम सभी के लिए लॉन्च किया जा रहा है, जो कि फाइनली निश्चित हो चुका है। वैसे दोस्तों इसको लॉन्च तो अभी होना था, मगर लॉकडाउन के चलते इस कार की डेट को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया गया है। अगर आपको इस 7 सीटर कार का इंतजार है तो कमेंट बॉक्स में फटाफट जाइए और अपनी राय हमें कमेंट में बताइए, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा। मिलेंगे हम आपसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।